बेसिकली जो है आज हम जापान की हिस्ट्री देखेंगे और उनसे जापान की हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एंट्रेंस में आ सकते हैं या फिर जो आए हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग। और फिर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जापान किन किन से मीन्स इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जापान पार्ट है और कब से है, इस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। सुनो, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जापान जो है वो जापान का नेम या फिर जापान जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो रिटेन हिस्ट्री में मिला था। तो वो जब रिटेन हिस्ट्री में फर्स्ट किसी भी मतलब फर्स्ट टाइम जो जापान का जो नेम आया था वो चाइनीज बुक हान था, जो कि 82 AD में लिखा गया था। ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद मैंने ये भी कल पढ़ा था कि एम्परर जिमू जो थे वो फर्स्ट एम्परर ऑफ जापान थे एंड उन्हीं के कारण ही, बिकॉज वो 11th ऑफ फरवरी को जापान को यूनिफाई किए थे, पूरे पूरे जापान को एक साथ लाए थे, तो उन्हीं के कारण जो है वहां जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे देखेंगे, जैसा हमने कल पढ़ा था कि बुद्धिज्म जो है वो सिंटोइज्म वहाँ का जो है वो सिंटोइज्म एंड बुद्धिज्म बोथ आर द मेन रिलीजन ऑफ जापान। सो नाउ वी सी दैट हाउ बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन जापान एंड हु हेल्प्ड बुद्धिज्म टू एक्सपैंड इन जापान। बिकॉज किसी भी एक रिलीजन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर उसे एक्सपैंड होना है तो उसके लिए वहाँ वहाँ के किसी न किसी लोकल, अगर पहले की बात करें तो लोकल किंग की जरूरत पड़ेगी, या फिर वहाँ के कोई वैसे बड़े पॉपुलर फिगर जो जो उस चीज की हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज पहले के जमाने में किंगडम था तो ये इतना इजी नहीं होता था किसी भी कॉमन पीपल के लिए बोलना। सो बुद्धिज्म जो फर्स्ट टाइम जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था 552 CE में। बट ये एक बुक है निहोन सोकी, उसमें ये रिटेन है। तो उसमें फर्स्ट टाइम ये ऐसा बताया गया था कि जापान पहली बार बुद्धिज्म जो है वो 552 CE में इंट्रोड्यूस हुआ था। बट कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि कहीं कहीं पे आपको ये डेट जो है वो चेंज भी रहती है। लाइक अगर जैसे विकिपीडिया पे आप लोग अगर देखेंगे या फिर कहीं और आप लोग जब देखेंगे तो कहीं कहीं पे ये डेट चेंज रहती है थोड़ी सी, तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेन जो अगर डेट आपका एग्जाम में अगर जो पूछेगा तो एग्जाम में आपका जो है वो 552 CE ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। कहीं कहीं पे आप 538 CE भी आपको दिखेगा, बट वो ऑफिशियल नहीं है, कहीं रिटेन नहीं है। लेकिन जो एक रिटेन जो है वो रिटेन प्रूफ जो होता है वो आपको निहोन शोकी में पहली बार मिला था, और उसमें ये मतलब लिखा हुआ था कि 552 CE में जो है वो बुद्धिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जापान में। अब बुद्धिज्म जो है वो हमारे इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, हमारे इंडिया में बुद्धिज्म जो है वो फ्रूटफुल हुआ था। तो धीरे धीरे इंडिया से चाइना गया, चाइना से जो कोरिया की एक किंगडम थी उस समय, जिस समय चाइना में बुद्धिज्म जो है वो फ्रूटफुल हो रहा था, उस समय जस्ट उसके नेवर कंट्री थी कोरिया। तो कोरिया की किंगडम थी एक बागजी, BAEKJE, जो यहाँ पे मेंशन है आपका PDF में। तो वहाँ की किंगडम जो थी उसने फिर चाइना से वहाँ की किंगडम में बुद्धिज्म गया, उसने एक्सेप्ट किया वहाँ की किंगडम को, किंगडम ने एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म को, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद फिर वहां से जो है वो जापान में, मीन्स आप ये समझिए कि कोरिया से फिर जापान में वो गया बुद्धिज्म। अब जापान में गया तो एक इम्पोर्टेंट फिगर आता है कि किसने जो है वो जापान में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बिकॉज वहाँ सिंटोइज्म पहले से ही था, और किसी भी कंट्री का अगर वहाँ का इंडिजिनियस रिलीजन कोई है तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी और रिलीजन को फॉलो करें या किसी और रिलीजन को अपने कंट्री में आने दें। लाइक अगर इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया वेल नोन है कि हमारा इंडिया जो एक हिंदू कंट्री था, और स्टार्टिंग से हिंदू कंट्री
रहा है, बट यहाँ बहुत मतलब बहुत लेट से, जैसे मुगल्स ने आक्रमण किया या फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी आई, बहुत सारे रिलीजन हो गए। तो अभी भी कभी कभी ऐसा मतलब कुछ इंसिडेंट होता है जिससे हमें लगता है कि नहीं, हमारे बहुत रेयर केस में होता है, बट होता है ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे लगता है कि दो रिलीजन के बीच में एक कंफ्लिक्ट जैसा है। तो सेम, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय और पहले ये और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा किसी के लिए। तो एक वहां के प्रिंस थे जिनका नाम था शोतोकु ताइशी, यहाँ पे सिर्फ शोतोकु लिखा हुआ है, उनका पूरा नाम था शोतोकु ताइशी, SHOTOKU TAISHI, शोतोकु ताइशी। वो वहां के एक प्रिंस थे जापान के, उन्होंने जापान में बुद्धिज्म को एक्सपैंड करने में काफी हेल्प किया था, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसके लिए वॉर, एक और मतलब जैसे उस समय ये था ना कि जापान जो है वो यूनिफाइड नहीं था जिस समय बुद्धिज्म जो है वो वहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, या फिर प्रिंस सोतोकु ताइशी जो है वो ये चाह रहे थे कि बुद्धिज्म वहाँ इंट्रोड्यूस हो। तो उस समय जापान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, सॉरी किंगडम में बटा हुआ था। जापान कहीं अलग अलग एरिया पे अलग अलग वहाँ क्लैंस होते थे, जैसे यहाँ आप अलग अलग राजा कह सकते हैं, जैसे इंडिया बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, तो वहाँ क्लैंस कहते हैं, तो अलग अलग क्लैंस में जो है वो बटा हुआ था। तो सोतोकु ताइशी जो थे एक अलग क्लैन के प्रिंस थे, तो उन्होंने दूसरे क्लैन से फाइट भी किया इस चीज के लिए, बुद्धिज्म को वहाँ एक्सपैंड करने के लिए। एंड एंड वो उस वॉर में, उस कंफ्लिक्ट में वो जीते भी थे, और जिससे उनको बहुत हेल्प मिला था बुद्धिज्म को वहाँ एक्सपेंड करने में। सो ये था आपका बुद्धिज्म, हाउ बुद्धिज्म एक्सपेंडेड इन जापान। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस, अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। एक हमने कल डिस्कस किया था, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो पहला आएगा आपका कि बुद्धिज्म जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो आपको डेट 552 CE आप उसका सेलेक्ट कीजिएगा, कौन से बुक में, अकॉर्डिंग टू विच बुक अगर पूछता है आपका, तो आप निहोन शोकी का उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बुद्धिज्म से और कुछ अगर क्वेश्चन अगर रिलेटेड पूछ सकता है, तो वो ये पूछ सकता है कि जो हमने कल डिस्कस किया था कि बुद्धास का बर्थडे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है जापान में, तो जैसे कि इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वैसे ही वहां भी सेलिब्रेट किया जाता है 8th of April को, और उसको हम लोग कौन सा फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं जापान में, मतलब उसका नेम क्या है वहाँ, तो हाना मात्सुरी, ये हमने कल पढ़ा था, हाना मात्सुरी। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड तीन चार ही क्वेश्चंस हैं, और इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, आप बस आप लोग बस माइंड में रखिएगा, और बस एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि 538 CE और 552 CE, तो 538 CE में बुद्धिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जापान में, ये बस कहीं कहीं से बस ऐसा पता चलता है, कोई ऑफिशियली नहीं है, रिटेन प्रूफ नहीं है, बट 552 CE जो है वो निहोन सोकी में रिटेन प्रूफ है। सो ये जो है वो एक ऑफिशियल डेटा आप लोग कह सकते हैं, एक रिटेन प्रूफ आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग हिस्ट्री जापान की देखेंगे 16th century से, बिकॉज 16th century के भी पहले बहुत सारी किंगडम वहां रही हैं जापान में, जैसे जोमोन पीरियड हो आपका हो गया, नारा पीरियड हो गया, बहुत सारी ऐसे पीरियड है, लेकिन उससे आपका रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी हर एक कंट्रीज की बहुत डीप, अगर हिस्ट्री जाएंगे तो किसी किसी की बहुत डीप डीप हिस्ट्री होती है, तो उतना ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग बस उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं 16th century में। 16th century में क्या है, 16th century जो है वन ऑफ द, आप कह सकते हैं उसको कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी था जापान के हिस्ट्री में, और आपके अगर क्वेश्चंस के आप अगर व्यू से देखते हैं तो 16th century भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो कैसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 16th century में क्या हुआ था कि पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे और एक जेसुइट मिशनरीज थी, ये जो है वो जापान पहुंचे थे पहली बार, ठीक है। तो ऐसा, तो आप इससे आप लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो जापान में जो है वो अगर कोई यूरोपियन पहुंचा था तो वो आप लोग कह सकते हैं कि पोर्टुगीज पहुंचा था, और ये क्वेश्चंस भी एक दो बार पूछ चुका है कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रिच जापान। तो 16th century में पहली बार कोई यूरोपियन जो है वो
जापान गया था, रीजन जो भी हो, रीजन जैसे यहाँ पे रीजन वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रीजन था इनिशिएटिंग डायरेक्ट कमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन जापान एंड वेस्ट, बिकॉज जापान, मैंने कल भी थोड़ा आपको बताया था कि जापान जो है वो अपने बाउंड्रीज को, अपने एरिया को एक तरह से मतलब पैक्ड रखता था, वहाँ के जो भी किंगडम किंग थे वहाँ पे जो भी रूल कर रहे थे, बिकॉज वो इस चीज को जानते थे कि अगर क्रिश्चियनिटी अगर अगर बाहर से अगर हम लोग रिलेशन रखें, बाहर से अगर हम अपने बाउंड्रीज को अगर बाहर के कंट्रीज के लिए, खास करके वेस्ट की कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज थी उनके लिए अगर ओपन करते हैं तो हमारा कंट्रीज है वो थोड़ा डेंजर में आ जाएगा, और हमारी जैसा कि वो देख भी रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो कॉलोनी बन चुकी है वेस्ट की कंट्रीज की, जैसे कि फ्रांस हो गई, उस समय ब्रिटेन हो गया जो कि एक वर्ल्ड पे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में उसके कॉलोनी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, तो इन सबको देखते हुए वहां के जो भी जापान पे जो भी रूल कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए वो जो है वो वेस्ट की कंट्रीज से बहुत ज्यादा मतलब रिलेशन नहीं रखना चाहते थे। तो फर्स्ट टाइम जो अगर कोई भी, और इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि बाहर से कोई मतलब किसी को, पहली बात तो उतना कोई जानता नहीं था जापान को उस समय, बिकॉज आप ऑब्वियस बात है कि अगर आप हम अगर किसी से रिलेशन रख नहीं रहे हैं तो हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, हमारे बारे में कोई जानेगा भी नहीं, हमारे नेबर जो है वो जान सकते हैं, बट बहुत दूर के लोग हमारे बारे में नहीं जानेंगे। सो सेम थिंग था जापान के साथ। तो 16th सेंचुरी में पहली बार, 16th सेंचुरी में 1543 ये ईयर है, 1543 को पहली बार कोई पोर्टुगीज आया था जापान में। सो इफ अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियन, देन यू हैव टू सिलेक्ट पोर्टुगीज। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन हु रिच जापान इन द 16th सेंचुरी। और अगर 16th सेंचुरी की जगह अगर ईयर अगर आपसे पूछता है तो ईयर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, which was 1543। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है एडो पीरियड। एडो पीरियड जो है ये भी एक जापान के, अगर जापान के हिस्ट्री में देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड इसको आप कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस समय जो है वो जापान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ की थी। इसको आप इकोनॉमी के अगर हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, तो इसलिए जो है वो एडो पीरियड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था। उस समय जो है मॉडर्न जापान, जो अभी आप जापान देख रहे हैं, तो इसकी स्टार्ट एक तरह से आप वहां से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहां से स्टार्ट हो गया था एडो पीरियड से। एडो पीरियड कब से कब तक था? तो एडो पीरियड जो था वो 1603 1868 तक था। कहीं कहीं पे आप डेट थोड़ा सा चेंज भी देखेंगे, वो होता है आपका 1600 दिया रहता है, 1600 टू 1868, बट एक जो परफेक्ट डेट जो है वो आपको 1603 टू 1868 है। ओके, सो एडो पीरियड को जो है वो हम लोग तोकुगावा पीरियड भी कहते हैं, और तोकुगावा पीरियड को आप लोग एडो पीरियड भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज देखिए, मेन जो था वो एडो पीरियड नहीं है, मेन जो है वो तोकुगावा पीरियड है। तोकुगावा पीरियड ही उसका नाम था क्योंकि तोकुगावा डायनेस्टी थी वहाँ जो रूल कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे हम लोग किसी भी मतलब किंगडम या फिर ये का नाम रखते हैं। तो ये जो है वो तोकुगावा पीरियड ही था, बट एडो इसको नाम क्यों दिया गया? एडो इसलिए दिया गया ना क्योंकि एडो जो है वो टोक्यो का जो है वो पुराना नाम है, अभी जो मॉडर्न टोक्यो वहाँ की कैपिटल है उसका पुराना नाम एडो है। तो एडो जो है वो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट उनका मतलब हब था एक तरह से आप कह सकते हैं तोकुगावा पीरियड की, वहीं से सारा कुछ कंट्रोल किया जाता था, तो इसलिए उसको जो है वो एडो पीरियड भी हम लोग कहते हैं। और वहां पे जो था वो एडो जो था उस समय तोकुगावा पीरियड में, एडो जो है वो कैपिटल था तोकुगावा पीरियड का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एडो पीरियड इज ऑल्सो नोन एज तोकुगावा पीरियड, सो दोनों सेम है, आपको इसमें मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तोकुगावा पीरियड इज इक्वल टू एडो पीरियड एंड एडो पीरियड इज इक्वल टू तोकुगावा पीरियड। फिर आगे क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। अंडर तोकुगावा पीरियड एडो बिकेम द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एडो पीरियड जो था वो वन ऑफ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड जापान के हिस्ट्री में रहा है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग देखें तो उस समय जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो जापान जो है वो अपने बाहर की कंट्रीज से थोड़ा थोड़ा खुल रही थी, तो इकोनॉमी थोड़ा उसकी अच्छी हो रही थी, बाहर से उसका अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेज रहा था, बाहर के प्रोडक्ट्स थोड़ा बिजनेस उसका अच्छा हो रहा था, तो उस समय जो है बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ कर रहा था जापान, जापान की इकोनॉमी ग्रोथ करने कर रही थी। तो उस समय जो था एडो जो मॉडर्न डे में आज टोक्यो है, तो उस समय जो है वो एडो जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी बन गई थी वर्ल्ड की, क्योंकि वो जो है एक मेन सिटी थी जापान की और वहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। तो जो बिजनेस भी जो भी सारे हो रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो हो रहा था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एडो निभा रहा था, एडो का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था। आगे देखते हैं, आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन, मेजी रेस्टोरेशन कब हुआ था, ये 1868 में हुआ था, इसको हम आगे देखेंगे, ये बस यहाँ पे मेंशन हम लोग कर रहे हैं। तो आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन एडो वाज रीनेम्ड एज टोक्यो। तो अगर एडो पीरियड जो है वो या फिर तोकुगावा पीरियड जो है वो जब फॉल होता है तो उसके बाद मेजी रेस्टोरेशन आता है और मेजी रेस्टोरेशन में एडो का जो है नाम टोक्यो कर दिया जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एडो पीरियड की ही बात कर रहे हैं, जब मेजी रेस्टोरेशन में आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो एडो पीरियड में ही, बिकॉज एडो पीरियड जो है वो 1603 टू 1868 है, तो इसी पीरियड में नीदरलैंड जो थी वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी, या फर्स्ट कंट्री आप कह सकते हैं, जिसने जो है वो जापान के साथ ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। सो पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच जापान एंड द नीदरलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन बिटवीन नीदरलैंड एंड जापान। एंड व्हेन वाज द दिस ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1609। सो कंट्री में अगर पूछता है आपसे कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद जापान, देन योर आंसर विल बी नीदरलैंड। एंड अगर आपसे पूछता है कि कौन हु वर द फर्स्ट यूरोपियन, तो वो आपके हो जाएंगे पोर्टुगीज। और कब जो है वो नीदरलैंड के साथ ट्रेड एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1609 में। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब आगे आता है कन्वेंशन ऑफ कानागावा। ये कन्वेंशन ऑफ कानागावा है क्या, तो कन्वेंशन ऑफ कानागावा जो है ना, एक्चुअली ये एक ट्रीटी थी जिसको हम लोग नीचे नोट्स में मेंशन भी किया हुआ है कि कन्वेंशन ऑफ कानागावा, आल्सो नोन एज कानागावा ट्रीटी, या फिर इसको हम लोग द जापान यूएस ट्रीटी ऑफ पीस एंड एमिटी भी कहते हैं, और इसको पेरी ट्रीटी भी कहते हैं। तो कानागावा ट्रीटी तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये कानागावा कोई नेम होगा, उससे उससे ये ट्रीटी का नाम दिया गया है, या फिर जापान यूएस ट्रीटी ऑफ पीस एंड एमिटी भी समझ सकते हैं कि जापान एंड यूएस के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, तो इसके कारण से है वो इसका हम लोग नाम दे रहे हैं द जापान यूएस ट्रीटी ऑफ पीस एंड एमिटी। बट ये पेरी ट्रीटी इसका नाम क्यों दे रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये जो ट्रीटी हुई थी इसमें मैथ्यू पेरी, जो कि यूएस के थे, मैथ्यू पेरी ने एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था इस ट्रीटी को ये करने में, इस ट्रीटी को फाइनल करने में, इस ट्रीटी को फुलफिल करने में। तो ये जो ट्रीटी था वो साइन हुआ था यूएस के बीच में और एडो पीरियड के बीच में। एडो पीरियड मतलब कि तोकुगावा पीरियड उसमें चल रहा था, तो तोकुगावा सोगुनेट वो वहां पे मतलब रूल कर रहे थे उस समय। तो ये ट्रीटी उसमें किसके बीच में हुई थी, तो यूएस के बीच में और तोकुगावा सोगुनेट के बीच में, या फिर तोकुगावा पीरियड भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन पीरियड एक टाइम का नाम हो गया, तो इसलिए हम लोग तोकुगावा सोगुनेट हम लोग कहेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सो ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, यूएस के बीच में एंड तोकुगावा सोगुनेट के बीच में। एंड कन्वेंशन ऑफ कानागावा इज ऑल्सो नोन एज कानागावा ट्रीटी और द जापान यूएस ट्रीटी ऑफ पीस एंड एमिटी और द पेरी ट्रीटी। सो इसका तीन नाम हो गए, सॉरी चार नेम हो गए इसके। पहला कन्वेंशन ऑफ कानागावा, दूसरा कानागावा ट्रीटी, तीसरा द जापान यूएस ट्रीटी ऑफ पीस एंड एमिटी, एंड चौथा पेरी ट्रीटी।
ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी अगर नेम पूछता है तो ऐसा ना हो कि आप लोग कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। तो ये ट्रीटी हुई थी किसके बीच में? यूएस के बीच में एंड तोकुगावा शोगुनेट के बीच में। कब हुई थी? तो 31 मार्च 1854 को हुई थी, 31 मार्च 1854 को। और इसको किया था किसने? मैथ्यू पेरी एंड द ब्लैक शिप्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट नेवी। ये ब्लैक शिप्स जो है ना, एक यूनाइटेड स्टेट नेवी की जो है वो एक शिप की रेजिमेंट थी, जो कि उस समय में, क्योंकि उस समय जापान भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था और वो भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग किंगडम या फिर स्ट्रॉन्ग कंट्री मानता था। बट जब यूएस जब मैथ्यू पेरी ने जब फोर्स किया कि आप हमारे साथ ट्रीटी कीजिए, आप अपने बाउंड्री को हमारे लिए ओपन कीजिए, बिजनेस कीजिए हमसे, तो जापान की जो है वो गवर्नमेंट थी, जापान की जो वहां पे किंगडम जो वहां पे रूल कर रहे थे, वो इस चीज को सोचे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें इस चीज का डर था कि फिर से हमें कोई कॉलोनी ना बना ले, हमारे हमारा किंगडम ना चला जाए। तो लेकिन जब ब्लैक शिप जो है, ब्लैक शिप ने एक इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले किया था बिकॉज ब्लैक शिप जो है बहुत ज्यादा डेंजरस था उस समय, और जापान के पास उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, शिप्स नहीं थी। तो इस मेन तो मेनली जो है वो जापान एग्री इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द ब्लैक शिप्स। दे नो दैट वी कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक शिप। हमारा जो भी वॉरशिप है वो ब्लैक शिप के जो है उसके सामने जो है वो टिक नहीं पाएगा, हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। दैट्स व्हाई जो है वो जो वहां की तोकुगावा शोगुनेट थी वो जो वो रेडी हो गई थी 31 मार्च 1854 को, वो जो है वो ट्रीटी के लिए एग्री हो गए थे। सो हम लोग जो है वो एडो पीरियड में या फिर तोकुगावा पीरियड में हम लोग तीन चार इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, जिसमें पहला था कि एडो जो है वो वहां की कैपिटल थी, और उस समय जो है वो टोक्यो जो है वो लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड वर्ल्ड हुई थी। उसके बाद फिर नीदरलैंड जो कि एडो पीरियड में ही या फिर तोकुगावा पीरियड में ही, नीदरलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने कि जापान के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, विच वाज इन द ईयर 1609। फिर इसी समय कन्वेंशन ऑफ कानागावा हुआ जिसको हमने अभी डिस्कस किया, और ये कन्वेंशन ऑफ कानागावा कब हुआ था? तो 31 मार्च 1854 को हुआ था। और इसको मैथ्यू पेरी हम ट्रीटी हम लोग इसलिए भी कहते हैं पेरी ट्रीटी, क्योंकि इसमें पेरी ने जो मैथ्यू पेरी ने जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो एडुप्लीड आपका क्लियर मे बी हो जाना चाहिए इससे, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे मैं नहीं इससे रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेजी पीरियड में। तो जब एक्चुअली हुआ ये था कि वहां एडो पीरियड में या फिर तोकुगावा पीरियड में जब उस वहाँ के जो किंगडम थी, वहाँ जो रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने बाउंड्रीज को धीरे धीरे जो है वो एक्सपैंड करना शुरू किया, दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस करना शुरू किया। तो वहाँ एक थोड़ा इस चीज़ का जो अपोजिशन जो है वो फायदा उठाने चाहिए, और वो सक्सेस भी हुए थे इस चीज़ में, जिसके कारण से वो एडो पीरियड जो है वो फॉल कर गया था। एंड उसके बाद होता है मेजी रेस्टोरेशन, और वो आता है मेजी पीरियड आता है। तो अब जो है वो 1868 से 1912 तक कौन सी पीरियड रहेगी? मेजी पीरियड रहेगी। तो ये दोनों का पीरियड के डेट्स जो है ना, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, एक एडो पीरियड की जो कि 1603 टू 1868 थी, एंड एक मेजी पीरियड की जो कि 1868 टू 1912 तक थी। अब इसमें क्या हुआ था, मेजी रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ था कि जापान एक्चुअली अपोजिशन ने तो एडो पीरियड को फॉल करवा दिया और खुद रूलिंग पोजिशन पे बैठ गए, बट उनको ही पता था कि नहीं, अब हम जो है वो अपने कंट्री के बाउंड्री को पैक करके नहीं रख सकते हैं। सो उन्होंने इस चीज को एक्सपैंड नहीं किया, उन्होंने पैक नहीं किया, अपने बाउंड्रीज को क्लोज नहीं किया, और इस समय जो है वो जापान जो है वो अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करता है और एशिया में वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन बनके आगे आता है। और इसमें क्या होता है कि जो मेजी रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जो मेजी पीरियड थी उस टाइम में, क्रिश्चियनिटी पे जो है वो बैन जो है वो
हटा दिया गया था। इसके पहले जो एडो पीरियड थी उस समय बैन को जो है वो हटाया नहीं गया था, उसमें बैन था, ट्रीटी थी, बिजनेस हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, फॉरेन की कंट्री से यूरोपियन कंट्री से बिजनेस हो रही थी, बट क्रिश्चियनिटी जो थी वहां बैन थी। लेकिन जब मेजी पीरियड आता है तो उस समय जो है वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर से जो है वो बैन को हटा दिया जाता है। सो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज आप इसको माइंड कर सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हैं कि ड्यूरिंग मेजी पीरियड द बैन ऑन क्रिश्चियनिटी वॉज लिफ्टेड। अब आगे आता है, आगे क्या हुआ था, तो आगे एक एक तो हुआ था आपका कि क्रिश्चियनिटी पे आपका बैन जो था वो लिफ्ट कर दिया गया था। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज हुए थे, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर जो था उसको लोगों ने अडॉप्ट किया, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की किंगडम ने अडॉप्ट किया, वेस्टर्न क्लॉथिंग को धीरे धीरे लोग अडॉप्ट करने लगे थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर से जब बैन लिफ्ट किया गया तो ऑब्वियस बात है कि वहां के लोग जैसे कुछ यहाँ दूसरे कंट्रीज के लोग किसी भी पर्पज से अगर वहां जाते हैं तो कुछ वहां रहते हैं तो अपनी चीजों को एक्सपैंड करना चाहेंगे वो, और अगर बिजनेस हो रहा है तो आप दूसरे कंट्रीज के जैसे कि जैसे यूएसए के साथ अगर इनका बिजनेस हो रहा था तो वहां के कुछ लोग अगर वहां जाके अगर रहना भी चाहें तो इसके लिए फिर डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी जापान। तो ये सब चीजें हो रही थी जिसके कारण से वो जापान में जो है वो वेस्टर्न क्लॉथिंग जो है वो धीरे धीरे लोग अडॉप्ट करने लगे थे। एंड वेस्टर्न क्लॉथिंग अडॉप्ट करने का एक रीजन ये भी था कि वो जो है वो इजी टू वियर होता है एंड इजी टू मूव एंड इजी टू डू एनी वर्क। सो वेस्टर्न क्लॉथिंग को लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे और ग्रिगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट कर रहे थे, और भी कुछ चीजें थी बट ये दो तीन चीज मेन थी। तो मेजर रजिस्ट्रेशन कब से कब हुआ था, 1868 टू 1912 तक था ये। इस समय क्या हुआ था, इस समय जो है वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर से बैन लिफ्ट किया गया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर को जो है वो लोग अडॉप्ट कर रहे थे, वेस्टर्न क्लॉथिंग को अडॉप्ट कर रहे थे। सो ये दो तीन मेन इंसिडेंट थी जो उस समय हुई थी। अब इसके बाद आता है फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर। ये एक इंपॉर्टेंट वॉर जो है वो यहाँ से 16th सेंचुरी से जो भी डेट्स हैं ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी डेट्स एग्जाम में आपसे पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी है। सो इन सारी चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर कब हुई थी, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर आपकी हुई थी 25th जुलाई 1894 टू 17th अप्रैल 1895। अब ये वॉर जो थी किनके बीच में हुई थी, तो ये वॉर हुई थी आपके चाइना और जापान के बीच में। चाइना में रूल था चिंग डायनेस्टी का जो कि चाइना की थी, एंड एम्पायर ऑफ जापान के बीच में ये कन्फ्लिक्ट हुआ था। कन्फ्लिक्ट हुआ क्यों था, तो कन्फ्लिक्ट हुआ था कि कोरिया पे किसकी सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, बिकॉज कोरिया जो थी जापान की बाउंड्री शेयर करती थी, दोनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं, बट इसमें जो है वो जापान को एक फायदा ये मिला था कि उनकी नेवल फोर्सेस को इसमें थोड़ा फायदा मिला था। तो इस चीज में जो है वो और एक्चुअली कोरिया में बहुत सारे मिनरल्स भी थे, और उस समय जो है वो अपने रीजन को, अपने बाउंड्री को एक्सपैंड करने की सारी कंट्रीज में एक रेस सी चल रही थी कि कौन एक्सपैंड करेगा। उस समय उधर ब्रिटेन था जो सारे बहुत सारी कंट्रीज पे अपनी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना रहा था, तो चाइना और जापान भी इधर सोच रहे थे एशिया में कि हम अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड करेंगे। सो द मेन रीजन इनका ये था, साइनो जापानीज वॉर का जो मेन रीजन था कि कोरिया पे किसका रूल होगा। सो दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ द साइनो जापानीज वॉर, फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर। और ये किसके बीच में हुआ था, तो चिंग डायनेस्टी एंड एम्पायर ऑफ जापान के बीच में हुआ था। इसमें जापान जो है वो चाइना को डिफीट करता है, हरा देता है, और चाइना से जो है वो ताइवान जिसपे चाइना का कंट्रोल था तो उसको अब हैंड ओवर कर लेता है। ठीक है, तो हैंड ओवर कर लेता है, तो उसके बाद फिर चाइना जो सोचता है कि ताइवान हमारे हाथ से चला गया है, अब और भी हमारा रीजंस ना जाए, तो इसके लिए जो है वो चाइना जो है एक पीस की नेगोशिएशन करता है, ट्रीटी करता है। वो ट्रीटी जो है वो इस जो फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर है उसको जो है वो एंड करती है। और वो ट्रीटी कौन सी थी, तो वो ट्रीटी ऑफ सिमोनोसेकी, SHIMONOSEKI, सिमोनोसेकी। तो वो ट्रीटी कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ सिमोनोसेकी थी, जो कि चाइना एंड एम्पायर ऑफ जापान के बीच में हुई थी। और इस ट्रीटी के वजह से ही जो है वो चाइना को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ा था कि कोरिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसको
ताइवान को शीडेड करना पड़ा था, ताइवान का जो वो हैंड ओवर कर देना पड़ा था। यहाँ पे शीडेड मतलब ये है कि चाइना ने ताइवान से अपना कंट्रोल मतलब खो दिया और वो किसी और के कंट्रोल में चला गया, मतलब जापान के कंट्रोल में था वो ताइवान। सो जापान डिफीटेड चाइना एंड टू कंट्रोल ओवर ताइवान, द कन्फ्लिक्ट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी एंड चाइना रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ कोरिया एंड सीडेड ताइवान। सो फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर डेट याद रखना है 1894 टू 1895 एंड किसके बीच में हुई थी ये याद रखना है, एंड ट्रीटी जो है वो कौन से ट्रीटी से इंड हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते, ये मतलब बहुत रेयर केस में पूछ सकता है आपका, लेकिन अगर पूछता है तो उसके लिए, अगर पूछता है तो वो थोड़ा रिमाइंड आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए अगर पूछ देता है तो, क्योंकि कभी कभी होता है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग पूछ देते हैं एग्जाम में जो आप इग्नोर कर देते हैं कि ये नहीं आ सकता है। सो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी जिसके कारण जो है वो फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर जो है वो एंड हुआ था। उसके बाद आता है रशिया जापानीज वॉर, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 8th ऑफ फरवरी 1904 टू 5th ऑफ सितंबर 1905। ये फाइट हुई थी आपकी एम्पायर ऑफ जापान एंड रशियन एम्पायर में। अब ये जो है वो ट्रीटी जो है वो इंड कैसे हुई थी, तो ये ट्रीटी आपकी इंड हुई थी द ट्रीटी ऑफ पोर्टसमाउथ के कारण। द ट्रीटी ऑफ पोर्टसमाउथ जो है वो जो कन्फ्लिक्ट था जापानीज एम्पायर के, जापान एम्पायर के बीच में और एम्पायर ऑफ रशिया के बीच में, तो इस इन दोनों के कन्फ्लिक्ट को जो है वो ट्रीटी ऑफ पोर्टसमाउथ से इंड किया जाता है। और इसका इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये जो नेगोशिएशन होता है, क्योंकि उस समय रशिया जो है वो एक वर्ल्ड पावर थी, आप यूरोप में कह सकते हैं कि रशिया जो है एक वर्ल्ड पावर था उस समय, तो रशिया जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था उस समय कि रशिया को कोई हरा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वॉरशिप्स थे, उसके पास बहुत सारी एक हेवी एक लार्ज आर्मी थी एक उसके पास। सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड दैट अ स्मॉल कंट्री लाइक जापान कैन डिफीट रशिया हु वॉज अ वर्ल्ड पावर ऑन दैट टाइम। सो ये जो नेगोशिएशन थी, नेगोशिएशन जो है वो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जो कि थियोडोर रूजवेल्ट थे, उन्होंने जो है वो इस नेगोशिएशन को आगे मतलब इस नेगोशिएशन को फाइनल स्टेज तक ले जाने में एक इम्पॉर्टेंट एफर्ट इसमें दिया था उन्होंने, जिसके कारण से है वो कारण जो है वो रशिया जापानीज वॉर जो है वो इंड हुआ था। और इसके कारण जो है वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट थे, उनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ही प्लेड इन द ट्रीटी ऑफ पोर्टसमाउथ। और आगे ये भी है कि ये जो रशिया जापानीज वॉर हुई थी उसे हम लोग बैटल ऑफ सुशीमा भी कहते हैं, बैटल ऑफ सुशीमा, TSUSHIMA, बैटल ऑफ सुशीमा। मैं थोड़ा सा बस मैं जस्ट बस आता हूँ, बस लैप भी थोड़ा सा डिस्चार्ज। रशिया जापानीज वॉर में थे एंड हम लोगों ने ये देखा कि रशिया जापानीज वॉर जो है वो 1904 टू 1905 में हुई थी, और इसमें जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि यूएस के प्रेसिडेंट को जो है वो इसमें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 1910 में क्या हुआ था। 1910 में जो हुआ था, जापानीज एम्पायर ने कोरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और
और ये कब तक कंट्रोल में रही थी जापान की, तो ये 1945 तक कोरिया जो है वो जापान एम्पायर के अंडर में रही थी, उनके कंट्रोल में रही थी। और उस समय जो है वो जापानीज, जब कोरिया जो है वो जापान के कंट्रोल में थी, तो उस समय कोरिया को है कोरिया से मतलब नहीं जाना जाता था। उस समय कोरिया को जो है चोजेन कहा जाता था, चोजेन, CHOSEN। ये सिर्फ जापान और उसके कुछ आसपास जैसे चाइना में ये लोग जानते थे, लेकिन अगर इसके बाहर आप लोग जाएंगे जैसे US हो गए या फिर यूरोपियन कंट्री हो गई, तो उस समय जो है वो कोरिया को वो कोरिया के ही नाम से जानते थे, बट ये जापान ने एक नाम दिया था चोजेन, क्योंकि उनका कंट्रोल था 1910 में उन्होंने कोरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, सो दे गेव अ डिफरेंट नेम। तो ये थोड़ा ये भी एक कभी कभी अगर पूछता है तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जापानीज इन्वेजन ऑफ मैंचूरिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा पूछता भी है, बहुत बार ये पूछ चुका है कि जापानीज इन्वेजन ऑन मैंचूरिया कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 18th ऑफ सितंबर 1931 को। तो ये हुआ था आपका 1931 को। आफ्टर द इन्वेजन मैंचूरिया पे जो है वो जब जापान ने इन्वेड किया था, तो उसके बाद जो है वो वहां पे पपेट स्टेट जो है वहां पे जापान ने स्टैब्लिश कर दिया था। पपेट स्टेट उसको कहते हैं कि किसी कंट्री में आप अगर कंट्रोल किए हुए हैं, किसी कंट्री के ऊपर आपका अगर कंट्रोल है, तो वहां का जो हेड है वो उसी कंट्री का होगा, बट वो सुनेगा आपकी, तो इसी को हम लोग पपेट स्टेट कहते हैं। तो जापान ने जो है वो जब मैंचूरिया पे इन्वेड किया था 18th ऑफ सितंबर 1931 को, तो उसके जो हेड बनाए गए थे वो मैंचूरिया के ही लोग थे। मैंचूरिया के ही लोगों को जापान ने बोला कि आप रूल कीजिए और आपको जो मैं बोलूंगा वो आप सुनेंगे। तो इस तरह से जो है वो मैंचूरिया बिकेम द पपेट स्टेट ऑफ जापान। उसके बाद आता है सेकेंड साइनो जापानीज वॉर। ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1937, 7th ऑफ जुलाई 1937 टू 2nd सितंबर 1945। इसको हम लोग द एशियन होलोकॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वो कन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना, क्योंकि उस समय जो है वो चाइना में जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी थी उसने कंट्रोल कर लिया था चाइना पे, मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का कंट्रोल था, तो उस समय चाइना को उस नेम से जाना जाता था। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड जापानीज एम्पायर के बीच में जो है वो सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हुई थी। वॉर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो वॉर ऐसा कहा जाता है कि वॉर जो है वो एक स्टार्ट हुआ था मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट हुई थी एक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कहीं पूछ सकता है आपसे कि हाउ वाज द वॉर ट्रिगर्ड बिटवीन द चाइना एंड जापान। तो ये मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट जो है वो 1937 में जो हुई थी, तो ये जो है इसके कारण जो है वो वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि एक ब्रिज थी मार्को पोलो ब्रिज, उसके एक साइड जो थे वो चाइनीज आर्मी थी, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी थी, और एक साइड जो है वो जापान की आर्मी थी। तो जापान एक्चुअली चाइना पे उसमें कंट्रोल कर रहा था, कुछ कुछ रीजंस में उसने कंट्रोल किए हुए थे, वो अपना एक्सपैंड कर रहा था चाइना में भी। तो इस बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट हुए थे, इस कन्फ्लिक्ट से जो है वो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया और ये एक वॉर का रूप ले लिया। सो बिकॉज ऑफ द मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट विच वॉज हैपन इन 1937, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर स्टार्टेड। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो खत्म हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं 7th ऑफ दिसंबर 1941 को क्या हुआ था। तो एक्चुअली उसमें वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, लगभग स्टार्ट हो चुके थे एक दो साल पहले ही। तो उस समय जो है जापानीज जापान भी एक अपने आप को एक सुपर पावर अपने आप को मानता था, बिकॉज रशिया को हराने के बाद जापान भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था
बिकॉज रशिया वॉज द सुपर पावर एट दैट टाइम, और उसको हराना एक छोटे से कंट्री के लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है. तो जापान भी जो है वो अपने वॉरशिप्स को, अपने आर्मी को बहुत ज्यादा प्रिपेयर रखता था, वो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, अपने आप को पूरा बहुत अच्छा एक एम्पायर समझता था, बहुत स्ट्रांग एम्पायर समझता था. तो उसने जो है वो यूएस पे, यूएस की जो पियर्ल हार्बर जो है उस पे जो है वो उसने अटैक कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी के वजह से यूएस ने जो है वो जापान के साथ वॉर को डिक्लेयर कर दिया. और ये जो है वो वॉर जो है वो आगे बढ़ते रही. और ऑन 15th of August 1945 को यूएस ने जो है वो दो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जापान के दो अलग सिटीज पे ड्रॉप कर दी. एक पहला था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी. तो हिरोशिमा पे जो है वो 6th of August को अ लिटिल बॉय नाम का जो कोडवर्ड था वो ड्रॉप किया गया था. एंड नागासाकी सिटी जो है वो उस पे 9th of August को अ फैट मैन नाम के कोड का जो है वो एटम बम जो है वो ड्रॉप किया गया था. सो ये डेट हमेशा पूछता भी है. अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाए होंगे तो बहुत बार कोड भी पूछता है उसमें कि व्हाट वाज द कोड ऑफ द एटम बम व्हिच वर ड्रॉप्ड ऑन द टू सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो अ लिटिल बॉय एंड अ फैट मैन. लिटिल बॉय जो था वो 6th of August को गिराया गया था एंड अ फैट मैन जो है वो 9th of August को गिराया गया था. इसको आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अ लिटिल बॉय मतलब छोटा बच्चा, तो वो 6th को गिराया गया था, और फैट मैन मतलब वो उससे बड़ा है या फिर उसके बाद आता है. तो आप लोग उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो 9th of August को गिराया गया था. तो एक पहले और एक बाद, ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड में रख सकते हैं, ईजी हो सकता है मे बी. उसके बाद जो है वो जब उस पे एटम बम जब ड्रॉप कर दिया गया था यूएस के द्वारा, तो जापान जो है वो 9th of September 1945 को सरेंडर कर देता है. और सरेंडर करने के बाद जो होता है वो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, उस जब जापान ने सरेंडर कर दिया था उसके बाद 1952 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो बहुत पूछा जा चुका है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो होता है द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को. ये ट्रीटी क्या थी? तो ये ट्रीटी जो हुई थी ये एक ट्रीटी ऑफ पीस थी, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पीस जापान के नाम से भी जानते हैं. तो जब एटम बम गिरा था तो जापान ने सरेंडर कर दिया था, और सरेंडर करने के बाद जो एलाइड पावर थी उस समय, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन ये सब थे, तो उन्होंने जो है वो जापान पे ऑक्यूपाई कर लिया था, बिकॉज जापान जो है वो अब रिटेलिएट नहीं कर पाया था एटम बम गिरने के बाद. तो द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के बाद, जो कि 28th of April 1952 को हुई थी, उसके बाद जो है वो लीगली अमेरिका और उसके जो फ्रेंड्स थे, अलाइड फ्रेंड्स थे, उन्होंने जो है वो जापान से अपना जो है वो उसका जो ऑक्यूपाइड जो किया हुआ था वो जो है वो खत्म हो जाता है, वो हटा देते हैं उस पे. सो द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को का आप लोग डेट हमेशा याद रखिएगा, 28th of April 1952. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नेम है मैक आर्थर जो है वो एक्चुअली 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया था तो अमेरिका जो है वो उस पर अपना कंट्रोल किया कर लिया था, अमेरिकी आर्मी और अमेरिकी गवर्नमेंट. तो उसमें जो है वो मैक आर्थर उन्होंने जो है वो, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन को वहां दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां चलता है उन्होंने ही, मैक आर्थर ने ही 1947 में दिया था. तो हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए. अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, जापान इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. जापान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है? फर्स्ट है यूएन, जिसका जो है जापान जो है वो 18th of December 1956 को उसका मेंबर बना था. दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो है वो मेंबर जो है वो 1st January 1995 को बना था. G7, इसका मेंबर 1975 से है. आसियान
जो ऑर्गेनाइजेशन आसियान ग्रुप जो है, इसका जो जापान जो है वो बहुत पहले से, मतलब जब ये आसियान ग्रुप जो है बन रहे थे, फॉर्म हो रहा था, उसी समय से जापान जो है वो इसका एक पार्टनर है, मेंबर है। उसके बाद एपीईसी ग्रुप को जो है वो जापान ने 1989 को ज्वाइन किया था। फिर एडीबी, इसका जो है वो जापान जो है वो खुद फाउंडिंग मेंबर है, जो कि 1966 में ये हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर आता है आपका एएफडीबी, एशियन सॉरी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो जापान जो है वो 1982 से मेंबर है। फिर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो है वो जापान जो है वो 1952 से मेंबर है। और बाकी और भी कुछ एक दो जो है वो इसके पहले जो नोट्स आपको मिला था उसमें वो आप लोग अगर उसको अच्छे से देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसमें हैं, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं किया है इस नोट्स में, क्योंकि अगर एक ही चीज़ दो तीन जगह होता है तो थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना। तो वो नोट्स भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स में, इस साल के ओलंपिक्स में टोक्यो 2020 जो है, जो कि पोस्टपोन्ड हुआ 2021 में, इसमें कौन से 5 न्यू स्पोर्ट्स को या गेम को ऐड किया गया है। तो इसमें 5 न्यू जो गेम को स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स को जो ऐड किया गया है, उसमें कराटे है, स्केटबोर्डिंग है, बेसबॉल है, सर्फिंग है एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। ये ऐड किया गया सिर्फ आपको टोक्यो ओलंपिक के लिए। ऐसा इसलिए है बिकॉज जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा 2024 में, तो अभी के टोक्यो ओलंपिक में इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, इनके पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि इसको 2024 में रखना है या नहीं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आपका है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये थोड़ा ईजी होगा आपके लिए अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो, कि कितने जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो या गेम जो है वो इस साल टोक्यो ओलंपिक में ऐड किया गया है। तो वो फाइव स्पोर्ट्स हैं और टोटल नंबर स्पोर्ट्स जो है वो ओलंपिक में कितने हैं इस साल, मतलब हो रहे हैं, तो वो 33 है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जो इस नोट्स में अभी नहीं है, वो बाद में मैं आपको इस नोट्स में ऐड करके और सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। हाँ, तो जैसा कि कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जैसे पढ़ते हैं, उसमें पहला है कि एक नेम है आकिरा योशिनो, AKIRA आकिरा YOSHINO आकिरा योशिनो। इन्होंने जो है वो 2019 में नोबेल प्राइज जीता है। किस चीज के लिए जीता है? तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए। सो आकिरा योशिनो नेम जो है वो आप लोग ध्यान याद रखिएगा। आकिरा योशिनो वॉन नोबेल प्राइज इन 2019 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। फिर थोड़ा सा हम लोग जैसा कल हम लोग बोले थे कि स्पेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जापान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो फर्स्ट जापानीज वुमेन जो स्पेस में गई थी उनका नाम है आपका चियाकी मुकाई CHIAKI MUKAI। ये जो है वो फर्स्ट जापानीज वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट नेम जो है वो है आपका तोयोहिरो आकियामा। तोयोहिरो आकियामा जो है वो फर्स्ट जापानीज नेशनलिटी के फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो है वो स्पेस में उड़ान भरा था, या फिर जो स्पेस में गए थे। ये कब गए थे? ये गए थे 1990 में आपके, और इनको जो है वो स्पेस जर्नलिस्ट भी कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये प्रोफेशनली जो इनका जो एक कैरियर था या फिर पर्सनल लाइफ में ये एक जर्नलिस्ट थे। इनका नाम क्या है? तोयोहिरो आकियामा। सो तोयोहिरो आकियामा इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ जापानीज नेशनलिटी टू हैव फ्लोन इन स्पेस। और ये कब गए थे? 1990 में।
और इनको और हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग स्पेस जर्नलिस्ट के नाम से भी जापान में जानते हैं। सो टोयो हीरो अकियामा इज ऑल्सो नोन एज स्पेस जर्नलिस्ट। उसके बाद एक हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर है, एम्प्रेस सुइको। एम्प्रेस सुइको जो थी वो फर्स्ट वुमेन एम्प्रेस थी जापान की। सो ये इनका नाम भी आप लोग ध्यान थोड़ा याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में ये पूछते हैं, ये पूछा जाता है कभी कभी कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन एम्प्रेस ऑफ जापान। तो एम्प्रेस सुइकी वाज द फर्स्ट वुमेन एम्प्रेस ऑफ जापान। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जापान ने जो है वो इंडिया को एक म्यूजियम जो है वो गिफ्ट किया है, जो कि आपका मणिपुर में है, और उसका नाम जो है वो एक्चुअली बेस्ड है आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड के मेमोरीज पे। तो और उसका नाम है इम्फाल पीस म्यूजियम। मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फाल, वहाँ इस वहाँ जापान ने इस चीज को खुद से मतलब बिल्ड किया है, इस म्यूजियम को, इन द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, और उसका नाम है इम्फाल पीस म्यूजियम। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थोड़ा करंट अफेयर्स में थोड़ा आपका आ जाएगा। ये एक्चुअली एक दो साल पुराना है, बट एक दो साल ओल्ड भी थोड़ा पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछता है कभी कभी। सो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जापान गिफ्ट्स मणिपुर पीस म्यूजियम विच वॉज बिल्ड ऑन द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द नेम ऑफ द म्यूजियम इज इम्फाल पीस म्यूजियम। उसके बाद एक श्याम सरन जो है वो इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी थे, उनको जो है जापान ने सिलेक्ट किया था। वहाँ की सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड होती है, वो होती है आपकी द सन, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। ये जापान की जो है वो सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। तो इस चीज के लिए श्याम सरन को जो है वो 2019 में सिलेक्ट किया गया था कि इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, बिकॉज इन्होंने इंडिया और चाइना, सॉरी इंडिया और जापान के बीच में बहुत अच्छा मतलब एक रोल प्ले किया है, दोनों के रिलेशन को बहुत अच्छे अच्छा करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको डेवलप करने में। सो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हु वॉज श्याम सरन, वाई वॉज, वट वॉज द नेम ऑफ द गिफ्ट ऑफ श्याम सरन, या फिर वट वॉज द नेम ऑफ द अवार्ड, सॉरी नॉट गिफ्ट, अवार्ड, what was the name of the award for which Shyam Saran was selected? ये आपका, आप लोग नेम याद रखिएगा, the order of the rising sun gold and silver star। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है वो जापान के, जापान के ही एक जापान नेशनल जापानीज ही हैं, उनको जो है वो इंडिया का जो हमारा जो भारत का जो थर्ड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो है वो जापानीज नेशनलिटी के एक हैं फेमस पर्सनालिटी, जिनका नाम है साइचिरो मिसुमी, SAICHIRO, साइचिरो मिसुमी, इनको जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये जो है वो आईएन, जो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे हमारे कंट्री के, सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने जो आर्मी बनाई थी, नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने बनाई थी, तो उस चीज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के वेटरन भी हैं। इनका नाम है साइचिरो मिसुमी, SAICHIRO, साइचिरो MISUMI, मिसुमी। इनको जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की थर्ड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड, जिसे कि पद्म भूषण भी हम लोग कहते हैं, उससे इनको ऑनर किया गया था, जो कि 2015 में किया गया था। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और ये जो भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको बताई, या फिर जो कल की क्लास में मैंने आपको बताई थी, उन ये वाली नोट्स तो मैं इसमें कुछ ऐड करके आपको आज ही सेंड कर दूंगा,
और बाकी वो जो क्लास है वो मैं आपको जो कल की क्लास में जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी उसका नोट्स मैं 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा। सो सभी को वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। भैया हाँ आदित्य, मैं चैट ओपन कर देता हूँ, जिन्हें भी जो डाउट है यू कैन आस्क। ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं चैट ओपन कर दिया, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो, और आयता एक चीज है वो कंफर्म कर देना, जो पीडीएफ इन लोग को मिली है उसमें टोक्यो जो है वो संडे रिवर लिखा गया हुआ बाय मिस्टेक, वो सुमिदा रिवर होगा। संडे रिवर जो यूएसए में है और वो मिसटाइप हो गया है वो मोबाइल से। ठीक है, तो सब हाँ ध्यान। भैया वो एक्चुअली मिसटाइप हो गया होगा तो वो थोड़ा करना हाँ हाँ उसमें पड़ेगा। वो सुमिदा रिवर होगा। आयता चैट देखते रहना, और जिसका भी जो डाउट होगा वो क्लियर करते जाना।